दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। जैसा कि अगर आप लोगों ने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, फॉर्म को अप्लाई करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। सो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कंप्लीटली देख लेंगे, उम्मीद पूरी करते हैं आप लोग भी आरआरबी के एनटीपीसी के जो फॉर्म है वो आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के अंतर्गत अगर आप लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को, तो कैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कितना आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, कितनी पोस्टें कहां कहां हैं, ये पूरी जानकारी जानने के लिए आपको डायरेक्टली आना होगा सक्सेना टेक्निकल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली यहां पर आ सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोग देख सकते हैं आरआरबी यानी एनटीपीसी में जो फॉर्म है वो यहां पर स्टार्ट कर दिए हैं। फॉर्म स्टार्ट हो गए यहां पे 14/9/2024 से। इसकी जो लास्ट डेट है वो यहां पर 13/10/2024 रखी गई है। फॉर्म को फिल करने के बाद, फी सबमिट करने के बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो भी यहां पर 13/10/2024 रखी गई है। बात करेंगे फॉर्म को फिल करते वक्त किसी प्रकार की कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी यहां पर जो डेट है वो यहां पर 16 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आएगी। जब भी आएगी मैं आपको चैनल के माध्यम से सूचना कर दूंगा। बात करेंगे एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड के बारे में, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसी कोई अपडेट मिलेगी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप लोग भी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको यहां पर ₹500 का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप लोग एससी एसटी पीएस से हैं तो आपको यहां पर ₹250 का भुगतान करना पड़ेगा। और फीमेल की बात करें तो ऑल कैटेगरी फीमेल यहां पर ₹250 का भुगतान करना पड़ेगा। बात करेंगे रिफंड के बारे में, तो अगर आप लोग भी वन अटैम्प एग्जाम में बैठते हैं यानी सीबीटी एग्जाम में बैठते हैं तो आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ₹400 का रिफंड मिलेगा, एससी एसटी पीएच और फीमेल को ₹250 यानी पूरा रिफंड यहां पर मिल जाएगा। बात करेंगे फी पेमेंट के बारे में, तो आप लोग भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से भी आप लोग यहां पर पेमेंट कर पाएंगे। बात करेंगे इसके एज लिमिट के बारे में, तो आपकी जो उम्र है वो यहाँ पर 18 से लेकर 36 वर्ष होना जरूरी है। इसके ऊपर अगर आप लोग ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की एससी को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी यहाँ पर मिलने वाली है। बात करेंगे डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है फॉर्म को अप्लाई करते वक्त। पहले नंबर पर आपके पास यहाँ पर एक अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, दूसरे नंबर पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट, तीसरे नंबर पे यूजी यानी आपने जो भी अंडर ग्रेजुएट यानी बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने कोर्स किया है यूजी लेवल का वो आपके पास होना चाहिए मार्कशीट। साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, साथ में आपकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए जिसमें आप पैसे को रिफंड लेना चाहते हैं। अगर आप लोग ओबीसी एससी एसटी से हैं तो दोस्तों आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में अगर आपके पास डोमोसाइल है तो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप लोग भी फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे पोस्ट के बारे में, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं पोस्ट का नाम देख सकते हैं, टोटल पोस्ट देख सकते हैं और इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में भी देख सकते हैं। इसी हिसाब से स्टेशन मास्टर में टोटल पोस्ट देखिएगा और इसका एलिजिबल क्राइटेरिया भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग यहां पर पोस्ट देख सकते हैं, इसमें केवल बैचलर डिग्री मांगी है चीफ वाले में, स्टेशन मास्टर में, गुड ट्रेन मास्टर में, और यहां पर बैचलर डिग्री के साथ साथ यहां पर इंग्लिश एंड हिंदी में टाइपिंग भी यहां पर मांगी। जैसा कि अगर आप लोग जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं या फिर सीनियर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर की हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होना अनिवार्य है। इसके बाद आपको किस जोन से अप्लाई करना है वो जोन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, किस जोन में कितनी कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्टें हैं इसकी भी आपको यहां पर पूरी डिटेल देखने को मिलेगी।
थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक मिलेगा आपको। डायरेक्टली इस पे क्लिक करके आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो सकते हैं। वेबसाइट पे विजिट होने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपने इससे पहले रेलवे का कोई सा भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको अपने फॉर्म को उसी अकाउंट से लॉगिन करना है और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। लेकिन पहली बार अगर आप लोग रेलवे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप लोग क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अपने एक अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जैसा कि अपना इंडियन, यानी इंडियन है तो इंडियन लगाएंगे, इसके अलावा अदर उससे है तो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिल करना है जैसा कि आपकी मार्कशीट पे दिया हो। यहाँ पे कंफर्म नेम, अगर आपका कोई चेंज नेम है तो यस कर दीजिए, अन्यथा इसे नो कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कंफर्म डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कंफर्म जेंडर, यहाँ पर आप अपने फादर नेम कंफर्म फादर नेम, मदर नेम कंफर्म मदर नेम। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, आधार वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको सक्सेसफुल लिखकर आ जाएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के माध्यम से ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे, कैप्चा फिल करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और ये डिटेल को क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म को कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका जो रेलवे पे अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग लॉगिन पे आके अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। हालांकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपने मोबाइल नंबर पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉगिन करूंगा। इन केसेस अगर आपका अकाउंट लॉगिन है और आपको इसका पासवर्ड नहीं मालूम है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड का, आप लोग फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपने पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो फाइनली मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन था तो मैंने यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद मेरे सामने यहाँ पर कुछ टर्म्स एवं कंडीशनें आ गई हैं और यहाँ पर मैं इसे ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करके एक्सेप्ट करूंगा। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं पहले नंबर पे आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। फॉर्म स्टार्ट हो गए 14/9/2024 से, लास्ट डेट है 13/10/2024 रखी गई है। कौन से जोन से आपको अप्लाई करना है वो जोन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सारे जोन है और मैं यहाँ पर जो अप्लाई कर रहा हूँ वो यहाँ पे प्रयागराज से अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं प्रयागराज सिलेक्ट करूंगा और डिक्लेरेशन पे यहाँ पे टिक करूंगा और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जो हमारा OTR यानी जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर पहले से था क्योंकि मैंने पहले भी फॉर्म अप्लाई किया था लोको पायलट का, तो मेरा यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से सेव किया हुआ है। तो मेरी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर ऑलरेडी सारी आ चुकी है। लेकिन अगर आपने नया यहाँ पर अकाउंट बनाया है तो आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ेगा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर क्लोज कर देना है। इसके बाद हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई सक्सेस हो गया है। ये चीज आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपका आधार कार्ड नॉट वेरीफाई है तो आप लोग आधार कार्ड को वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को आगे कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे ग्रेजुएशन लेवल प्रयागराज पोस्ट का नाम, आप लोग इसे कंफर्म जरूर कीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और कहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं। ये कंफर्म करने के बाद ही आप अपने फॉर्म को शुरुआत कीजिएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आपका इंडियन सिटीजन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पिता का नाम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी आपकी रजिस्ट्रेशन से इन्फॉर्मेशन आ चुकी है तो इन्हें आपको अपडेट नहीं करना है। यहाँ पे मेरिटरी स्टेटस, धर्म, यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा, यहाँ पर एग्जाम लैंग्वेज, अगर आपकी कोई बॉडी पर कोई निशान है चोट का, इंजरी का या फिर मोल का, तिल कैसे हैं वो आप लोग डाल सकते हैं, अन्यथा इसे नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो अगर आप लोग भी जनरल के अलावा किसी अदर कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसा कि कास्ट सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे, इशू डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, सर्टिफिकेट नंबर, इशू अथॉरिटी और यहाँ पर आपको अपना स्टेट और यहाँ पर जारी दिनांक, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। और अगर आपने पहले कभी फॉर्म अप्लाई किया है तो आपकी ये सारी डिटेल ऑलरेडी फिलअप की हुई होंगी तो आपको इन्हें किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं करना है, आप अपने डिटेल को एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना फुल एड्रेस को फिल करना है, जैसा कि आपको अपने स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, फुल एड्रेस जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पे दिया हो, यहाँ पे अपने विलेज, टाउन या सिटी का नाम, एरिया का पिन कोड, अगर आपका प्रेजेंट और कम्युनिकेशन सेम है तो इस पे टिक कीजिएगा, दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इससे पहले फॉर्म को अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर जो एड्रेस का है वो ऑलरेडी फिलअप किया हुआ आएगा, आपको केवल यहाँ पर सेव करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पर, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल पे भी यहाँ पर आपको नो करना है, इसे कटुम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके।
इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन देखने को लेंगी। इसे आपको यहाँ पर अपनी कौन, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है यू आर EBC सर्टिफिकेट होल्डर, तो आपको यहाँ पे नो करना है। रेलवे इम्प्लॉय अगर आप लोग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा इसे भी नो करेंगे। यहाँ पे और भी इम्प्लॉय पूछा जा रहा है, यदि आप लोग हैं तो सेंट्रल स्टेट के गवर्नमेंट इम्प्लॉय, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, अन्यथा इसे नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट रिफंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यदि आप लोग किस अकाउंट में रिफंड लेना चाहते हैं उसकी डिटेल को फिल करेंगे, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालेंगे, कन्फर्म करेंगे आपको बैंक का नाम और यहां पर बैंक का एड्रेस, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यदि आपने इससे पहले कोई फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको ये सारी डिटेल ऑलरेडी सेव की हुई मिलेंगी, आपको डायरेक्टली सेव करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आ चुके हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली डिटेल पर। यहां पर आपको हाई स्कूल ऑलरेडी ऐड किया हुआ होगा अगर आपने इससे पहले फॉर्म को अप्लाई किया है तो, और अगर आप लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है, रोल नंबर फिल करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट और बोर्ड का नाम, आपने कौन सी सन में पास आउट किया था, ये डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है और सेव कर देना, हाई स्कूल ऐड हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देनी है, ग्रेजुएशन आपने कैसे किया है, ग्रेजुएशन किया कौन सी स्ट्रीम से किया है, कौन सी स्टेट से किया है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, कब पास आउट हुए, ये सारी डिटेल आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट से अनुसार फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है, अपलोड करने के लिए अपलोड फाइल पे आना है और यहाँ पर आपको PDF फॉर्मेट सिलेक्ट करना है, 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ब्राउज फाइल पे क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपनी फाइल को सिलेक्ट करके सेव करने के बाद हमारा जो हाई स्कूल और ग्रेजुएशन दोनों ऐड हो चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम आ चुके हैं फोटो एंड सिग्नेचर पे और यहाँ पे आप लोग क्रॉस कर देंगे। यदि आपने इससे पहले फॉर्म अप्लाई कर चुके हो तो आपका फोटो सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ होगा, यदि आप लोग पहली बार अपलोड कर रहे हैं तो आपको अपना यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फोटो आप लोग यहाँ पर व्हाइट बैकग्राउंड में अपलोड कीजिएगा और सादा सिंपल फोटो अपलोड कीजिएगा, कोई भी फैशनेबल फोटो अपलोड मत कीजिएगा। इसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ चुके हैं प्रीफरेंस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको अपनी प्रीफरेंस देनी है कि पहली प्रीफरेंस कौन सी रखना चाहते हैं, दूसरी कौन सी रखना चाहते हैं, तीसरी कौन सी रखना चाहते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे प्रीफरेंस दे सकते हैं, चाहे आप लोग चारों डाल दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। प्रीफरेंस देने के बाद आपकी जो प्रीफरेंस है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ पे भी आपको टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस देना है और यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरा प्रीव्यू शो हो जाएगा और प्रीव्यू शो होने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल को पूरा चेक करेंगे, यदि कोई भी मिस्टेक है तो आप लोग एडिट पे आके अपनी इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। इसके बाद आप अपना पेमेंट कर देंगे, पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका जो भी फॉर्म है उसका प्रिंटआउट आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म का प्रिंटआउट आने के बाद कुछ इस तरह का प्रिंटआउट होगा जो कि आप अपने प्रिंटआउट निकाल के रख लीजिएगा। प्रिंटआउट निकालने के बाद आपका जब भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते हैं। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग भी अपने RRB NTPC 2024 के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद पूरी करते हैं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई है, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने अदर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।